अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं की तमाम ऐसी कहानियां सामने आती हैं जिनसे प्रेरित हुए बिना आप नहीं रह सकते। छतरपुर शहर की ऐसी महिला जिसने कभी हार मानना नहीं सीखा। महिला के जीवन में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन ये महिला दुनिया के सामने निडर होकर चलती रही और समाज की महिलाओं के लिए एक मिसाल बनकर उभरी। छतरपुर शहर के बसारी गेट पर रहने वाली आयशा अंजुम, जिनकी उम्र 50 वर्ष है, पति का देहांत चिकनगुनिया बीमारी के चलते 26 नवंबर 2006 में हो गया था। इस समय उनकी बेटी एक 11 साल और दूसरी 5 साल की थी। पति के गुजर जाने के बाद काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन हार नहीं मानी। महिला जब खुद 10 साल की थी तब पिता के साथ रहकर उन्होंने टाइपिंग का काम सीखा था, जो जीवन को आगे बढ़ाने में काम आया। लगातार 13 वर्षों से महिला जिला न्यायालय में लोगों के आवेदन टाइप कर अपना घर अपने दम पर चला रही है, साथ ही 2 बच्चियों की पढ़ाई और पालन पोषण का जिम्मा भी अपने बल पर कर रही है। शहर की महिला आज अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है, जिसने समाज की महिलाओं को बताया कि महिलाएं आज किसी क्षेत्र में भी कम नहीं है। इनके पति का देहांत बेटा हो गया था, इनकी शादी महोबा में हुई थी, 2 बच्चियां थी इनकी छोटी छोटी, तो ये अपना टाइपिंग करना जानती थी। तो फिर हम लोगों ने अपनी पूरी टीम ने, हमारे 5-6 जूनियर हैं और हमारे साथी सब ने काम दिया इनको, तो इनका काम चल गया। अब ये 2007 से काम कर रही हैं और बड़ी मेहनती महिला है, और बड़ी बच्ची की शादी भी इनने कर दी है अपनी, और छोटी बच्ची इनकी बीवी कर रही थी, उनकी मेहनत पर। अच्छी महिला है और व्यवहारिक है, ज्ञान भी काफी है इनके अंदर। 13-14 साल से काम कर रहे हैं अपने पति की मृत्यु के बाद से। बहुत परेशानी आई है, जब तक यहाँ अदालत में तो कोई परेशानी नहीं मिली, जब यहाँ से आए इन लोगों ने हमें सहयोग दिया तो किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। हाँ, जैसे शुरू में आते थे थोड़ी सी झेप लगती थी कि आदमियों में कभी बैठे नहीं थे, यहाँ आके हमें बैठने पड़ता था। हाँ, इन लोगों का सबका सहयोग मिला, इन लोगों ने बहुत मदद करी, रजिस्ट्रेशन इन्हीं लोगों ने कराया। हमें तो बहुत खुशी मिलती है कि हम कम से कम अपने बिना बाप के बच्चों को पाल तो रहे हैं और कोई शर्मिंदगी का या गलत काम कुछ नहीं कर रहे हैं। परेशानी सबकी ज़िंदगी में आती है, किसी के में कम आती है, किसी के में ज़्यादा आती है। परेशानी से पकड़ के नहीं बैठना चाहिए, उस पर आगे जाने की सोचना चाहिए कि अब हम इस परेशानी से कैसे निकलें।